तो एमपी बोर्ड के क्लास टेन आपका एकदम ओरिजिनल पेपर हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल देखने को मिलने वाला है ठीक है जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो त्रिमासिक सिलेबस है उसमें सात चैप्टर तक आएंगे ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिएगा छियानवे और चार का एस कितना होगा तो एस होगा चार ठीक है बहुपद एक्सी स्क्वायर माइनस के शून्य कितने होंगे ठीक है जैसे शून्य निकालो यहाँ पर लिख दिया मैंने तो ये एक बार प्लस का आएगा एक बार माइनस का आएगा यानी कि प्लस का करनी तीन और माइनस का करनी तीन चलिए यदि a1 वन बाई ए इक्वल है बी वन बाई एंड इज इक्वल टू ए सी वन तो रेखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा अनंता अनेक हल होंगे समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल जीरो में के मूलों की प्रकृति क्या होगी इसके मूल होंगे वास्तविक और भिन्न चलिए आगे देखते हैं और अगले यदि हम बात करें इसका 30वा पद ज्ञात करना है तो तीसवा जो पद है इसका आपका बन जाएगा a30 equal a 29d a का जो मान है आपका a का मान है 10 है प्लस 29 गुनीत कितना जाएगा आपका और आप 10 में गए 3 माइनस का 3 और ये सत्यासी हो जाएगा सत्यासी में 10 घटा दोगे 77 आ जाएगा माइनस वाला आंसर ठीक है भैया और यदि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात कितना है 4 अनुपात 9 है तो बूझो के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा देखिए यहाँ पर चार है तो चार चौकू सोलह क्षेत्रफल का मतलब घात तो दो सोलह कर देना हो तो यानी कि यहाँ पर जाएगा आपका सोलह अनुपात करनी दो जो है एक संख्या है किस तरह की संख्या है तो अपरिमेय संख्या है अपरिमय दो बहुपदों का गुणनफल एक दो बहुपदों का गुणनफल भी क्या रहता है एक बहुपदी होता है वापस

Uh, मूल याद करने का जो सूत्र है वो श्री धराचार्य जी ने दिया था किसने दिया था श्री श्री धराचार्य जी ने ओके इतना चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ग समीकरण x माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल जीरो के मूल कितने होंगे देखिए माइनस वाला तो हो गया प्लस का वन और ये प्लस वाला बराबर को दो जाएगा तो ये माइनस का वन हो जाएगा दो मूल है ठीक है समांतर श्रेणी के कोई भी दो लगातार पदों का जो अंतर है उसी को कहते हैं सार्व अंतर ठीक है भैया त्रिघात बहुपद है तो यहां पर ये जो है ना त्रिघात बहुपद है इसका तीन घात है इसमें और रेखिक बहुपद है रेखिक का मतलब एक घात वाला बहुपद तो एक घात वाला हो गया ये आपका द्विघात द्विघात समीकरण है यह इसके मूल ज्ञात करने की यदि बात करते तो एक बार इसका प्लस में आ जाएगा एक बार इसका माइनस में आ जाएगा और यहाँ पर इसके मूल ज्ञात करेंगे तो देखिए ये ये तो तो माइनस का देखिये प्लस का और ये जीरो, जीरो चौथा हो जाएगा त्रिभुज समरूप होते हैं सम्बाह त्रिभुज और समानता श्रेणी के एन पदों का योग जो होता है ना वो होता है सूत्र एस बाई एन बाई टू ब्रिकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है ये करना आपको ये गलत है अब एक बटा करनी दो परिमेय संख्या है ये सब सारे असत्य सत्य सत्य तो एक बटा तो करनी दो क्या है आपकी अपरिमेय है तो ये अपन लिख देंगे अ सत्य शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है तो बिल्कुल एकदम राइट बात है दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं तो ये आपका तीसरा जो है असत्य बात है A, B, 0, एक द्विघात समीकरण है। तो ये आपका असत्य है क्योंकि ये तो आपका क्या रेखिक समीकरण है और इसका जीरो है। जब पर एक समानता श्रेणी नहीं है एक सौ छप्पन के यदि आप अबाजी गुंड निकालोगे एक सौ अबाज्य गुंड विधि के द्वारा तो इसका टुकड़ा करोगे एक सौ छप्पन के तो इसके टुकड़े होंगे दो की घात दो तीन गुने तेरा रेखे ते बहुपद की घात कितनी होती है तो एक होती है भैया और है आपका यदि पांच सेवों का दो संतरे हैं और पांच सेब है उनका मूल्य सत्तर रुपये थे इसका रेखी रूप में प्रदर्शित किस तरह करोगे तो देखो दो संतरे तो दो एक सो गया है पांच सेव है तो पांच वाई लिख दो और बराबर कर तो दो सत्ता बस ये समीकरण बन गया आप चलिए द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है तो मानक रूप द्विघात समीकरण का एक्स स्क्करण स्क्वायर सी एक्स प्लस बी के मूलों का योगफल ज्ञात करें तो मूलों का योगफल रहता आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए आता पर ए की जगह पे यहाँ पर कितना दिया सी दिया देखो और से

ये बारह है यहां से देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर सत्रह आपका ये अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस ठीक है अच्छे से तैयारी कर लेना है आपको तो ये मैंने आपको मैथ्स का पेपर आपको बताया है ठीक है जितना हो सका सोल्व भी कराया अच्छा वार्षिक परीक्षा के आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर से मतलब नहीं है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बेसिक लेवल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना